जुनैद हत्याकांड को महज 2 महीने भी नहीं बीते कि बल्लभगढ़ में एक बार फिर 2 युवकों को चलती ट्रेन से फेंकने का मामला सामने आया है। सीट विवाद को लेकर 2 युवक भीड़ का शिकार हुए हैं, जिसमें आरोपियों की बेरहमी के कारण एक युवक ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। घटना शनिवार रात बल्लभगढ़ पलवल के पास की है, जहाँ 2 युवक दिल्ली आगरा इंटरसिटी से जा रहे थे। उसी समय ट्रेन में सीट को लेकर उनका कुछ युवकों से विवाद हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि युवकों ने मारपीट के बाद दोनों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों पर ट्रेन में हमला करने वाले 4 लोग थे। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी भी फरार है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ पलवल के इसी रूट पर जुनैद की 22 जून को मथुरा जा रही ट्रेन में भीड़ ने पीट पीट कर और चाकू मारकर हत्या कर दी थी। घटना के वक्त जुनैद दिल्ली के सदर बाजार से ईद की खरीदारी कर अपने गांव लौट रहा था। इसके बाद जुनैद की हत्या के विरोध में ईद के दिन भारत के कई हिस्सों में और भारत के बाहर भी मुसलमानों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर रोष जताया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।